Assalamualaikum. I hope you're all well. आज मेरी सास की रेसिपी से हम ढाकाई नवाबी मुर्ग पुलाव बनाएंगे. इसके लिए सबसे पहले आप एक मिक्सर में बादाम, पिस्ते और किशमिश लेंगे. टेक अबाउट 20 पीसेज ऑफ ईच. 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करें. साथ में 2 प्याज भी डाल दें. दही का इस्तेमाल करना है. आई यूज़ फुल क्रीम या डबल क्रीम योगर्ट जो आपको शॉप से ईजिली मिल जाएगी. खट्टी दही मत इस्तेमाल करें. ज़ाफ़रान डालें दिल खोल के. 1 टीस्पून गरम मसाला घर का बना हुआ और नमक. नमक आपने चिकन के हिसाब से ठीक डालना है. मैंने 3 चम्मच नमक डाले हैं, 3 टीस्पून्स. अब इस सब चीज़ को अच्छे से ब्लेंड कर लें और पेस्ट बना लें. पेस्ट का रंग देखें, बहुत खूबसूरत सा रंग होगा और बीच में थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ज़ाफ़रान अपना बहुत खूबसूरत सा रंग छोड़ेगा. मैंने 8 लेग पीसेस और 8 थाई पीसेस का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे घर में हर एक को लेग और थाई पीस ही चाहिए होता है. हैवी बेस वाला एक बड़ा पॉट ले लें, उसके अंदर आधा कप तेल डालें. अब चिकन डाल दें सारे का सारा. मैं हमेशा चिकन को पहले फ्राई करती हूँ, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है. बस इतना फ्राई करना है कि जो ये एक्स्ट्रा पानी चिकन छोड़ रहा है अपना, वो ड्राई हो जाए. अगर ये पानी ड्राई नहीं होगा तो चिकन के अंदर थोड़ी सी स्मेल रह जाती है. अब इसको पकाने के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है इस पूरे प्रोसेस में. ये अपने ही पानी में, अपने ही जूसेस में पकेगा. अब जो पेस्ट हमने बनाई थी उसको आप डाल दें. 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लें. अगर आपको अपनी पुलाव में मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो आप रेगुलर लाल मिर्च भी 1-2 चम्मच डाल सकते हैं. आपने बहुत केयरफुली चिकन को हिलाते रहना है क्योंकि देखिए इसमें दही है, वो ज़रूर नीचे सेटल करेगा. बहुत हाई हीट पर नहीं पकाना, आप थोड़ा लो टू मीडियम फ्लेम रखें. जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक आपने पकाते रहना है. जब मसाला ड्राई होने लगता है तो आप थोड़ा सा 2 चम्मच तेल और ऊपर से डाल दें तो फिर वो अपना तेल चिकन जल्दी छोड़ देगा. ज़ाफ़रान को ब्लूम करने के लिए मैंने रोज़ वाटर का इस्तेमाल किया है, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून रोज़ वाटर. इसको अच्छे से मिक्स कर लें, देखें कितना खूबसूरत रंग आता है. मैं हमेशा एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस यूज़ करती हूँ. बहुत अच्छा, कभी टूटता भी नहीं है. द ब्रांड आई यूज़ इज़ कॉल्ड लाल किला, लेकिन आप चेक कर लें, आपके पास कोई भी ब्रांड जो मिलता है वो आप ले लें. चावलों को अच्छे से धो के 20 मिनट तक उसको सोक करके रखें. चावल पकाने के लिए एक बड़ा पॉट लें, उसके अंदर खड़ा गर्म मसाला डालें, 1 चम्मच घी डाल लें. 10 सेकेंड फ्राई करें और फिर फ़ौरन चावल डाल दें. अब चावलों को 20-30 सेकेंड फ्राई करें, हाई हीट पर है फ्लेम. इससे क्या होता है कि आपके चावल टूटते नहीं हैं. अब आपने इस पर गर्म पानी डालना है बिल्कुल बॉयल होता हुआ. 4 कप चावल में मैंने तकरीबन 6 कप पानी डाला है. अब इसके बाद नमक डालना है. अब चावलों का नमक बिल्कुल आपने ठीक डालना है क्योंकि अगर नमक कम होगा तो पुलाव का कोई मज़ा नहीं आएगा. तो तकरीबन मैंने 7-8 टीस्पून नमक डाला है इसमें. चावलों के पानी को ड्राई होने का वेट करेंगे. साथ में आप अपनी बाकी सामान रेडी कर लें. आपको घी चाहिए, कटे हुए बादाम पिस्ते आपको चाहिए या आपको शॉप में भी मिल सकते हैं, 1 ग्लास दूध चाहिए और 1 नींबू का रस. अक्सर लोग इसमें किशमिश भी डालते हैं. मुझे किशमिश का टेस्ट इतना नहीं पसंद आता तो मैं किशमिश नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर आप किशमिश डालना चाहें तो उसको पानी में सोक करके रख लें, 1 मुट्ठी भर के, वो भी आप इसमें डाल देंगे. जैसे ही चावलों का पानी सूख जाए आधे चावल आप ऊपर से रिमूव कर लें और आप उसके ऊपर ये सारा चिकन जो आपने पकाया था वो अच्छे से लेयर कर दें. चिकन को अच्छे से फैला दें, उसका मसाला जो है वो पूरा स्क्रेप कर लें पॉट से, कुछ ज़ाया ना हो. मुझे तो अभी से इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं. अब जो आधे चावल आपने निकाले थे वो उसके ऊपर, चिकन के ऊपर अच्छे से बिछा दें. पूरा मेक श्योर करें कि वो पूरी तरह से कवर्ड है. एक स्पैचुला ले लें और बहुत हल्के हाथ से चावलों को फैला दें. चावलों को तोड़ना नहीं है. अब सबसे पहले 1 नींबू का रस जो आपने अलग से रखा है ग्लास में, वो ऊपर डाल दें चावलों के. जो ज़ाफ़रान वाला मिक्स आपने रोज़ वाटर के साथ बनाया था वो आपने ऊपर डाल दें. देखिए कितना खूबसूरत इससे रंग आएगा और खुशबू अलग आएगी. बादाम, पिस्ते, किशमिश सब इस पॉइंट पर आप डाल दें और दिल खोल के डालें क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मज़ा आता है. और बहुत लोग कहेंगे कि दूध किस लिए डाल रही हैं, बट प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस. 1 ग्लास दूध अच्छे से डालें क्योंकि चावलों का पानी ऑलरेडी सूख गया है तो उसके अंदर कोई और लिक्विड नहीं है. साथ में अब आप घी डालें. घी की बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, जायका भी घी से आता है. तो आप जो भी घी, घर का बना हुआ देसी घी इस्तेमाल कर लें, शॉप वाला, अमूल का यूज़ कर लें, जो भी आपको मिलता है.
चलें जी अब दम लगाएंगे। शुरू में आंच को तेज रखना है 5 मिनट ताकि अच्छे से अंदर स्टीम बन जाए। उसके बाद आप आंच हल्की कर दें और हल्की आंच पे इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट दम दे दें। और जब आप खोलेंगे तो पड़ोसी भी आके आपसे पूछेंगे कि घर में क्या पका है। हल्के हाथ से सब पुलाव को मिक्स करें ताकि चिकन और चावल अच्छे से सब चीज़ मिक्स हो जाए। और बस उसके बाद सर्व करें, इंजॉय करें और दुआएं दें हमें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।